नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सुपर टेट 2019 यानी कि उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसमें हिंदी भाषा में एक्चुअली हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश टोटल 40 नंबर के आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ओनली बात करेंगे हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको मैं आपको आंसर के साथ बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्या आपको बताना है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। तो इसका आंसर तीन सही होगा, क्रिया। जो कृदंत प्रत्यय हैं वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है, ये जो शब्द है, जो वाक्य है पूरा, जो व्याकरण जानता है, तो ये किस एक शब्द के लिए, पूरा एक शब्द के लिए यूज कर सकते हैं इस वाक्यांश को? वैज्ञानिक के लिए, वैयाकरण के लिए, बहुज्ञ के लिए, शास्त्रज्ञ के लिए। जैसे हम बोलते हैं जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक बोलते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसे शास्त्रज्ञ बोलते हैं, उसी तरीके से जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण बोलते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है हिंदी भाषा के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इसमें बहुत से लोगों को डाउट होता है द्विवेदी नाम से, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्राप्त हुआ था? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चिदंबरा जो कृति थी इस पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, महान शब्द में, ये ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखते रहिए कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं हिंदी भाषा में। 20 क्वेश्चन, जैसे ऊपर आपने देखा लेखकों के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, अभी ये ग्रामर आ गई, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो ये ग्रामर में उपसर्ग और प्रत्यय जो आपने पढ़े होंगे, महनीय, महत्ता, महत्व और महती, तो क्या बनेगा जब महान में त्व जोड़ देंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, महत्व। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, ये फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास से आ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल, आदिकाल, वीर गाथा काल और चारण काल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा या क्या संज्ञा दी? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बीजवपन काल बोला जाता है आदिकाल को, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसकी संज्ञा दी थी। तो 6 क्वेश्चन आपने देख लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो इसमें बहुत से लोग अक्सर गलतियां भी करते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत को काफ़ी यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तार से उनका इतिहास बताया है। तो उसमें साफ साफ मैंने बताया था कि जो हिंदी शब्द है वो कहीं भी संस्कृत में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ना ही किसी भी ऐसे उपनिषद या किसी भी वेद में जो संस्कृत में लिखा गया है। तो ये हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा से लिया गया है, सबसे पहले फारसी लोगों ने ही हिंदी को यूज किया था। 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है अभी, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? आँख, पाँव, गाँव और ग्रह। तत्सम और तद्भव आपने पढ़े होंगे, तो ज्यों का त्यों जिसे तत्सम बोलते हैं, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर D, ग्रह। ग्रह शब्द सेम टू सेम वैसा है जैसा संस्कृत में है, तो इसे बोलते हैं तत्सम शब्द ही है ये। क्वेश्चन नंबर 8 आपने देख लिया। अभी यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर आगे आने वाले 9 और 10 आपको इसी गद्यांश से समझ के बताना है। तो पहले गद्यांश को देखते हैं।
हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि यह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ वाली बन गई है। तो आपने देख लिया इसको। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आप देखिए कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। तो आपने देखा होगा उसमें पूरे का पूरे जब पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आ जाता है कि हमने पाखंड और दिखावे को जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है अभी। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से और सरलता से। तो छलने की कला का उपयोग गद्यांश के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खुलकर हम उपयोग करते हैं एक दूसरे को छलने की कला का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। एक यहाँ पर लाइन दी हुई है, बीती बिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। इसमें है रूपक अलंकार। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ भी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरण सरस सुब्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। तो इनमें से कौन सा अलंकार है इनमें, जिसमें यानी कि अलंकार को परिभाषित करने वाली जो उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये इसमें बताना है कि कौन से कवि ने ये बताई है। केशवदास, बिहारी लाल, सेनापति और आचार्य दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, केशवदास की यह पंक्तियाँ हैं। कुछ लोगों को डाउट हुआ होगा भूषण का नाम देख के, लेकिन भूषण यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है, नहीं तो कुछ लोग डाउट में भूषण को भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 है अभी। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? बीणा पाड़ी, भारती, बागदेवी और जाह्नवी। यानी कि इन चारों में से कौन सा नाम है जो कि सरस्वती के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, जाह्नवी। क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं, हम, तू, तुम, ये सभी शब्द हैं संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जब आप सर्वनाम और उसके प्रकार पढ़ रहे होंगे तो आप समझेंगे कि इनमें से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है कि मैं, हम, तू, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों आप मेरे हिंदी का वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने वर्ड वाला वीडियो बताया, जिसमें महाप्राण अल्प प्राण के बारे में बताया है, वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ख, छ, ठ, थ और फ, ये होते हैं महाप्राण व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अभी। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो इसमें परिभाषा बताइए, ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला शब्द में संख्यावाची आ रहा हो, तो यहीं से आप समझ जाइए, और दूसरे शब्द में संज्ञा हो, तो वो होता है द्विगु समास। 16 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। कुछ पंक्तियां हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार यूज हुआ है? विरोधाभास, विशेषण, विपर्यय, मानवीकरण और दृष्टांत। आपको यही बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। विरोधाभास अलंकार इसमें यूज हुआ है, जिसमें कि इन पंक्तियों को जब आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें विरोध का आभास हो रहा है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? ये चार जो आपके सामने चिन्ह दिए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर ये जो डैश का चिन्ह दिया है ये है योजक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है अगला।
बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय। हम जो शब्द यूज करते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम या विशेषण या जो भी अव्यय होते हैं। तो जो बुद्धिमान जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है और अव्यय है। तो ये विशेषण है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवियित्री। जैसे पुरुष का स्त्री यानी कि जो स्त्रीलिंग होते हैं, तो कवि का जो जो लेडीज जो कवि होती हैं उन्हें हम अगर पुकारेंगे तो उन्हें उनका सही नाम क्या होगा अगर लिखित में आप देखेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, कवयित्री। तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन है हिंदी भाषा के। अब यहाँ से आप समझ गए हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक जो असिस्टेंट शिक्षक जो परीक्षा है उसमें। तो अभी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि इतनी इजी क्वेश्चन है। देखिए आप सर्वनाम, संज्ञा, व्यंजन ये सभी आपको मेरे वीडियो जो मिल जाएंगे बिल्कुल सुपर टेट के लेवल के, और इनमें से मैक्सिमम के आंसर वहीं पर मैंने बताते बताते, क्योंकि थ्योरी को आप पूरा वीडियो देखिए तो आप थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। एक पैराग्राफ है, ओनली 2 क्वेश्चन हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ क्वेश्चन हैं। बहुत ही ईजी हिंदी है, टोटल 20 नंबर है आपको अच्छे से कवर करने के लिए। एक एक क्वेश्चन का बहुत वैल्यू है क्योंकि इसमें मेरिट बनती है। अगले जो वीडियो हैं उसमें हमें आपको संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश और इसके अलावा जितने भी भाषाओं के क्वेश्चन आए हैं अलग अलग वीडियो में आपको बताऊँगा, जिससे कि आप आसानी से सभी वीडियोज को समझ सकें, सभी भाषाओं के क्वेश्चन को समझ सकें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।